और वर्ल्ड के डायरेक्शन में भी क्या है कि वर्ल्ड के डायरेक्शन में एक तरह से यूरोपीय कंपनियों की चालाकी है, यूरोप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखा, ताकि नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा। अब मैप को उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं ना, साउथ पोल को ऊपर और नॉर्थ पोल को नीचे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझ करके नॉर्थ पोल को ऊपर किया है ताकि यूरोप महाद्वीप जो है वो ऊपर दिखे, बाकी महाद्वीप उनसे नीचे हो जाए, अफ्रीका नीचे दिखे। अगर उल्टा रख देते मैप को तो क्या होता, अफ्रीका ऊपर दिखने लगता और यूरोप नीचे, तो यूरोप नीचा ना हो। तो ये थोड़ी सी भावना है उनकी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैप में हो, कॉपी में हो, कहीं भी हो, डायरेक्शन हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ, उत्तर का डायरेक्शन लेते हैं। आप अपनी कॉपी के सामने भी बैठे हुए हैं तो जो आपकी कॉपी का फेस, आपका फेस है वो नॉर्थ दिशा में है, और जस्ट बैक जो हो जाएगा वो साउथ दिशा में हो जाएगा। आपका राइट हैंड हमेशा पूर्व दिशा में होगा और लेफ्ट हैंड जो है वो पश्चिम दिशा में होगा। तो इस तरह से आपको ये चार दिशाएं याद रखनी है, राइट हैंड पूर्व दिशा में, लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा में, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। अब चार दिशाएं और याद रखनी है। चार दिशाएं कौन सी हैं? एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, या इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। फिर साउथ और ईस्ट के बीच में दक्षिण पूर्व, साउथ और ईस्ट के बीच में दक्षिण पूर्व। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और वेस्ट के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसी को कहते हैं उत्तर पश्चिम, इसी को आप कह सकते हैं पश्चिमोत्तर। इसी को कह सकते हैं पश्चिमोत्तर। तो ये चार और डायरेक्शन हो गई। इस तरह से आपको आठ डायरेक्शन मिल गई। कौन कौन सी? उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, आपके राइट हैंड में पूरब और लेफ्ट हैंड में पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है तो पूर्वोत्तर है, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है तो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है तो दक्षिण पश्चिम है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है तो उत्तर पश्चिम है या पश्चिमोत्तर दिशा है, इसी को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अब इन दिशाओं का उपयोग कहाँ करेंगे और इन दिशाओं को हम कैसे समझेंगे कि कौन सी दिशा में कहाँ पर है? जैसे इसे आप लोग बना लीजिए, सरल ही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका हाथ आगे पीछे नहीं हो सकता। हाथ, जो हाथ आपके घर में रहने पर जो दाहिना है वो दाहिना रहेगा और जो बायां है वो बायां ही रहेगा। तो आपका दाहिना हाथ हमेशा पूर्व दिशा में होगा। आप किसी भी दिशा में घूम करके खड़े हो गए हैं, अगर आपका फेस आपके सापेक्ष कॉपी में देखेंगे तो उत्तर दिशा में होगा, और उत्तर दिशा के सापेक्ष देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर पूर्व, और जिधर बायां हाथ होगा उधर पश्चिम दिशा आएगी। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है तो पश्चिमोत्तर, और उत्तर और पूर्व की दिशा है तो पूर्वोत्तर दिशा होती है। अब इनका उपयोग कहाँ पर पड़ना है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि कौन किस दिशा में है? देखिए, इनके क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल देता है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। तो मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा तो इधर है, मोहन का घर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मोहन का घर था, और वो अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि दाएं ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा?
तो दाहिने मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आपको सोचना है कि हम उत्तर की तरफ घूम के बैठे हैं और इधर जा रहे होंगे तो हमारा दायां हाथ किधर हो जाएगा। अगर आप इधर जा रहे हो, आप ऐसे बैठे हुए हैं ना, ठीक है, एग्जाम हॉल में मुझे पता है आपको घूम करके नहीं सोचने दिया जाएगा कि आप इधर उधर घूमते रहें। ऐसा घूमेंगे अगर दो बार आप घूमते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको क्लास से निकाल के बाहर भगा देगा। तो आप बैठे वहीं पर रहिए, सिर्फ आपको सोचना है कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ किधर जाएगा। इधर जाएंगे तो दाहिना हाथ किधर जाएगा, इधर जाएंगे तो दाहिना हाथ नीचे हो जाएगा और बायां हाथ ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब दाएं मुड़ता है का मतलब वो नीचे की तरफ घूम जाता है, दक्षिण दिशा में घूम जाता है। फिर अब दाहिने मुड़ के वो कुछ दूर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब यहां पर कौन सी टर्न लिया था उसने, राइट टर्न लिया था, दाएं मुड़ा था, और यहां पर आकर के कौन सी टर्न ले रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो बाएं मुड़ जाता है। अब यहां पर जाने के बाद बायां किधर होगा, तो एग्जाम हॉल में फिर वही कंडीशन है, आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। आप इधर घूम के बैठे तो आपका बायां किधर है, इधर है, तो अगर आप नीचे की तरफ घूम जाएंगे तो आपका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो बायां इधर हो जाएगा। इसका मतलब वो इधर घूमता है और कुछ दूर चलता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा, बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है या पूरब दिशा में जा रहा है, तो आप कह सकते अभी वह पूर्व दिशा में जा रहा है। और इनका नाम भी याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वैदिक नामों को पूछता है, तो इनके नाम होते हैं प्राची, प्रतीचि, उदिति और अदिति। ये इनके चार नाम होते हैं, ठीक है, प्राची, प्रतीचि, हाँ, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। चलिए आप थोड़ा सा लिखवा देंगे फिर किसी दिन, आप टेंशन ना लीजिए। आप एक क्वेश्चन करिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करवाते हैं हम उसको, सॉल्व हम करवाएंगे, आप बस क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है। अंत में पुनः दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। चलिए देखिए क्या बोला है उसने, एक एक स्टेटमेंट को आप पढ़ते जाइए, फॉलो करते जाइए। पहला स्टेटमेंट कहता है मोहन अपने घर से निकलकर पूरब दिशा की ओर चलना
प्रारंभ करता है। तो मोहन अपने घर से निकल के पूरब दिशा में चलता है, पूरब तो इधर ही है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब इधर जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, बाएं मुड़ा, तो इधर जा रहा होगा व्यक्ति तो उसका बायां किधर होगा? ऊपर, तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कुछ दूर चलेगा। ऊपर की तरफ मुड़ के कुछ दूर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब वो उत्तर की तरफ जा रहा था, जैसे ही किसी का फेस उत्तर दिशा में होगा तो आप अपना ठीक अपना फेस समझिए कि आप वैसे ही बैठे हुए हैं जैसा वो चल रहा है। अब वो उत्तर की तरफ चल रहा था और किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, तो दाया किधर होगा? इधर, तो दाएं की तरफ मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, तो फिर दाएं मुड़कर कुछ दूर चला। अंत में वह दाएं मुड़ता है और अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है और मुड़ेगा किधर? दाया, तो दाया हाथ आपका किधर है? इधर, तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो दाएं की तरफ मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा में जा रहा है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ इस तरह घुमा देगा कि वह 5 मीटर चलता है, फिर वह 3 मीटर चलता है, वह 5 मीटर चलता है और फिर 3 मीटर चलकर रुक जाता है। ए स्थान से चलना उसने प्रारंभ किया, फिर 5 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, इस प्रकार वह स्थान बी में जाकर रुक जाता है। बताइए वह अपने निश्चित दूरी से या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब आप देखिए, यहां पर से चलना शुरू किया था और पहुंच गया कहां? यहां, तो ये दिशा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ है मतलब उत्तर है, नीचे की तरफ एरो घूमेगा तो दक्षिण और ऊपर की तरफ घूमेगा तो उत्तर। अब ऊपर की तरफ आप ये देखिए कि दाएं तरफ झुका हुआ है कि बाएं तरफ झुका हुआ है, ठीक है? तो किधर झुका हुआ है? वो आपके दाएं हाथ की तरफ मतलब पूर्व की तरफ झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है? पूर्व की तरफ। तो उत्तर और पूर्व की तरफ झुका हुआ है, तो कौन सी डायरेक्शन कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। और इसी के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको बोल दे कि बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए आपने पीजीटी पढ़ी है, पढ़ा था 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आगे अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, और एट लास्ट हम लोग इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे डायरेक्शन ढूंढना शुरू करेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको ये वाला पूरी वाला मिलेगा।